नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुप्रज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रामगढ़ क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को किया गिरफ्तार। पिछले सप्ताह नसवारी गांव के इमरान पुत्र ईशक द्वारा हिंदू देवी देवता भगवान श्री राम और माता सीता पर अभद्र टिप्पणी की गई और इसके साथ बैठे सहयोगियों द्वारा सबका हौसला अफजाई कर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। अभद्र टिप्पणी की वीडियो वायरल होने पर भाजपा के गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष द्वारा गोविंदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं एवं हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए रामगढ़ SDM कैलाश शर्मा को ज्ञापन सौंप हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा भी प्रशासन को अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर चेतावनी दी गई थी। मामले को तुरंत पकड़ता देख SP तेजस्वी गौतम के आदेश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह एवं DSP ओम प्रकाश मीणा के निर्देश में रामगढ़ थाना अधिकारी रामनिवास मीणा को जांच कर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। रामगढ़ थाना अधिकारी रामनिवास मीणा ने रामगढ़ थाने के कांस्टेबल बंसीलाल महबूब खान, सुगंध सिंह, कैलाश सिंह और गोविंदगढ़ थाने के थाना अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, ASI राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल करतार सिंह एवं रामपाल की टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए इमरान पुत्र ईशब, जैकम पुत्र रहमुद्दीन, मुबीन पुत्र छुटमल और इस्लाम पुत्र छुटमल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। दिनांक 25 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। उस संबंध में थाना गोविंदगढ़ पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। प्रकरण में अनुसंधान करते हुए चार व्यक्ति जो नसवारी के रहने वाले इमरान, जैकम, मुबीन और इलियास को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। अन्य मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया।